हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड अब तो ऑलमोस्ट हो ही गया है 20,000, ठीक है ना। यहाँ से और 1.5% का मूव आ जाए, 1.5% तक का मूव एक बार और लग जाएगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20,000 के लेवल आपको दिख जाएंगे। इस चीज़ को मैंने पहले ही बोला था, मैंने एक वीडियो बनाई भी है, आप प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा, आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा, उसको देखना। उसमें मैंने बोला था ये चीज़ कि क्यों लॉजिकली मैंने चीज़ें बताई थी क्यों मार्केट 20,000 तक अप्रोच कर सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, सब चीज़ें मैंने उसमें बोला था। और अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं और होता हुआ देखने को पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मार्केट 1.5% का और मूव दे देगा तो ऑलमोस्ट 20,000 के लेवल दिख जाएंगे। ठीक है, कल के लिए क्या डिस्कशन होने वाला है वो भी देख लेंगे, साथ में फ्राइडे क्या बोला था और आज क्या देखने को मिला वो भी देख लेंगे। तो लेवल टू लेवल अपना प्ले करते रहें, ठीक है। ऊपर मिला तो ऊपर प्ले करें, नीचे मिले तो नीचे प्ले करें, पर लेवल टू लेवल रखें, ना लॉन्ग ना शॉर्ट ज़्यादा करें, ठीक है। तो यही अभी मार्केट का रूल है, बिना फालतू की चीज़ें करने जाएंगे तो फंस सकते हैं, ठीक है। तो बिगिनर्स को क्या ध्यान रखना है, आज मार्केट में क्या चीज़ें रही, कौन सी न्यूज़ रही, उन सब पे भी आज हम डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें कहाँ पे आज नई नई चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, ठीक है। चलते एक दिन के चार्ट पे, ये एक दिन का चार्ट लगा हुआ है हमारा, ठीक है। आज हुआ क्या फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ बैंक निफ्टी में HDFC का रिजल्ट आया, ठीक है। HDFC बैंक का रिजल्ट आया और 2% तक के इसमें मूव देखने को मिल गए और ये इसका अच्छा खासा वेटेज है दोनों के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी फिफ्टी के अंदर। तो जैसे जैसे इसका रिजल्ट आया वैसे वैसे काफ़ी अच्छे तरह छूट करता हुआ और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर चलता चला गया, 1680 को ये पार करता हुआ चला गया, ठीक है। अब रिजल्ट की बात है, आप रिजल्ट को कैसे एनालिस करते हैं, ठीक है। मेरा व्यू है कि भाई मैं तो कह रहा हूँ रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर मार्केट को रिजल्ट से मतलब ही नहीं है ना। मार्केट को ऊपर जाना तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, उससे मतलब नहीं पड़ रहा है। तो आप चाहे रिजल्ट जैसे भी आए, मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर गया और आज जो मार्केट ने हाई लगाया है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई भी रहा 19731 और जो लो रहा 19562, ठीक है। अब आप रिजल्ट को कैसे भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आपका भी अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छे नहीं थे, आपके हिसाब से हो सकते हैं, तो वो मार्केट ऊपर गया। पर हमें क्या करना है, रिजल्ट जैसे भी आए, मार्केट जो बोल रहा है, डायरेक्शन जो बोल रहा है, लेवल जो बोल रहा है, उसके हिसाब से प्ले करते हैं और बाकी छोड़ दें, ठीक है। तो आज भी मार्केट में तकरीबन 146.95 अच्छा खासा प्लस पॉइंट का मूव आया कल की क्लोजिंग से, तो काफ़ी अच्छा मूव मिला है और यहाँ से 20,000 के लेवल सीधे सीधे दिख रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस वीक नहीं, अगले वीक, मतलब आ तो सकता है, आप पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ से मार्केट को नीचे तो लाना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। जो कॉल लाइक जो कॉल लेके बैठ रहे होंगे 20,000 वाली, तो ये कर सकते हैं कि इन कॉल्स को जीरो कर सकते हैं, सोच रहे होंगे कि इस वीक मार्केट 20,000 पहुंच जाएगा, तो जो जिनकी कॉल इस टाइम जो ये कॉल होंगी, मान के चलो ये चल रही होंगी 10 या 20 रुपये पे चल रही होंगी, तो ये सोच रहे होंगे भैया आज अगर इसी वीक में मार्केट पहुंच जाएगा 20,000 तो ये कॉल हो जाएंगी बढ़ बढ़ के 100-100 रुपये की हो जाएंगी, तो प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा, 100-150 की हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएंगी, तो वो सोच रहे होंगे। ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है और ये नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इस वीक में ना पहुंचे, नेक्स्ट वीक पहुंचाए तो इस वीक वाले की जीरो कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीक वाली में पहुंचाएं या उस नेक्स्ट वीक वाले में 20,000 पहुंचाएं, तो वो डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर जो 20,000 ले जाना चाह रहे हैं और कौन सी कॉल्स को जीरो करना है, कब करना है, वो उन पर डिपेंड करने वाला। तो ये मत सोचना कि आज से ही आप इस कॉल को लेके बैठ जाएं 20,000 वाली को और फिर यहाँ से हम राइड करेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लेवल आते जा रहे वैसे वैसे प्ले करते रहो, उससे बेटर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या डिस्कशन किया था हमने कल फ्राइडे को, मैं एक बार वो आपको बताना चाहूँगा, फिर हम देखेंगे मंडे के लेवल्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, थोड़ा जेन्युइनली ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे, मैंने एक चीज़ लास्ट टाइम फ्राइडे को बताई थी, मार्केट में हुआ क्या था, मार्केट खुला यहाँ पे, ठीक है, नीचे आया और कंटिन्यूसली एक चीज़ देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे देखो, लोअर हाई, अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे ना यहाँ से लोअर हाई से, एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन खींचेगी 5 मिनट के अंदर ही, जो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट दे रही है कि हाँ आप चाहो तो इसको छोड़ के यहाँ कहीं ट्रेड बना सकते हो, यहाँ कहीं ट्रेड ले 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 सकते हो, मतलब इस बीच आप कहीं पे भी अपना आराम से ट्रेड ले सकते हो। जब तक ये लोअर हाई ब्रीच ही नहीं हो रहा है तो टेंशन क्या है, ठीक है। हर बार नया लोअर हाई बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप डालोगे ब्यूटीफुली तो आपको मिलेगा क्या कि भैया मेरे को एक चांस ले सकता हूँ मैं इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने ट्रेंड लाइन पे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपकी कॉन्फिडेंस कितना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, सपोज आप इन सब को छोड़ देते हो, यहाँ छोड़ देते हो, यहाँ वाली भी कहीं लेते हो, तो इसके नीचे अपना क्या लगाते हो, SL लगा सकते हो और यहाँ से अपना प्ले कर सकते हो क्या ऊपर के लिए ट्रेड, ठीक है। जैसे मार्केट ने अपने देखो यहाँ देखो, ठीक है, डोजी टाइप कैंडल बनी यहाँ पे और मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ले लिया है
19620 का, और आपकी ट्रेंड लाइन में आपको इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ से आप सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुकी है और यहाँ से मतलब इंडिकेट करी जाने वाली कैंडल बन चुकी है, और ये स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ के, यहाँ पर मतलब 19600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, मार्केट जाएगा तो 20 से 25 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस, नहीं तो ऊपर राइड कर लेंगे, ऊपर का प्रॉफिट जहाँ तक होगा बुक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आप प्ले कर रहे हो, आप फोकस नहीं देख रहे हो तो ये चीज़ें बन सकती हैं और आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला था कल आपको, फ्राइडे को मैंने एक चीज़ बोली थी मंडे के लिए, अगर आपको प्ले करना है तो अपसाइड, मैंने पहले डाउनसाइड बता देता हूँ डाउनसाइड में क्या हुआ था मार्केट में, तो डाउनसाइड के हिसाब से पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो डाउनसाइड में देखो क्या था, जो मैंने फ्राइडे बोला था मंडे के लेवल्स के लिए, या तो मार्केट को आने देना 19520 के नीचे, कहाँ पे 19520 के नीचे, इसके नीचे, या तो मार्केट के नीचे आए तो आप प्ले करना नीचे के लिए। ठीक है, तो आपने देखा मार्केट गैप अप भी खुला 19600 के ऊपर खुला और थोड़ा बहुत रिटेस होके वापस ऊपर चला गया, मतलब ये लेवल आपको मिला नहीं, यानी कि नीचे प्ले ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, इमीडिएट तो लेवल आया ही नीचे के लिए, मतलब अगर गैप डाउन खुल जाता इसके नीचे निकल जाता, यानी कि मौका मिलता भी, मार्केट ऊपर खुला और उसके बाद मार्केट ने क्या करा, वेट करा, थोड़ा बहुत नीचे आया, रिट्रेस हुआ, तो हमने अपसाइड क्या बोला था, देखो हमारे पास अपसाइड क्या था, मैंने बोला था अपसाइड आपको प्ले करना है तो निकलने देना मार्केट कहाँ 19600 के ऊपर। ठीक है, मार्केट खुला 19600 के ऊपर ही खुला था ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर खुला ही था, फिर मार्केट रिट्रेस करके एक बार नीचे आया, टेस्ट किया अपने नीचे क्लोजिंग के आसपास, अपनी क्लोजिंग के आसपास एक बार आपने देखा था, क्लोजिंग के आसपास आकर टेस्ट किया, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट धीरे 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 करता ऊपर चला गया, यानी कि आप चाहते एक दो आधा एक घंटा मार्केट छोड़ के तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं आराम से, मतलब कि बहुत ब्यूटीफुली प्ले कर सकते थे। और मैंने दिखाया ना आपको ये लाइन जो दिखाई है मैंने, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, ये लोअर हाई वाली लाइन दिखा रहा हूँ, आप चाहते आप ब्यूटीफुली यहाँ कहीं से भी ट्रेड प्ले कर सकते थे और आराम से प्रॉफिट कमा सकते थे। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता रहा, मार्केट 600 के ऊपर रहा, मार्केट में ट्रेंड लाइन बनी और मार्केट में डोजी कैंडल भी बनी, आप चाहते कहीं से भी ले सकते थे ट्रेड, यहाँ कहीं से भी ट्रेड ले सकते थे और एक आराम से प्रॉफिट बना सकते थे, कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, मैंने बोला था 19600 के ऊपर निकलने देना, सस्टेन करे 19600 के ऊपर, यानी कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप आराम से अपना प्ले कर सकते हो ऊपर के लिए, पहला टारगेट जो आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि ऊपर क्या टारगेट ऐसा है कि आप 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेल कर सकते हो, कहीं से भी अपना रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था मार्केट 19650 का मैंने पहला टारगेट दिया था, उसके बाद मैंने बोला था कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, जहाँ तक मार्केट आपका स्टॉप लॉस ना टच करे तब तक चलने देना। ठीक है, मार्केट ने कंटिन्यूसली यही होता रहा, मार्केट 19700 तक चला गया, तक करते 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 19730 तक मार्केट मतलब चला गया, तो अपसाइड मौका था, अपसाइड आप प्ले कर सकते थे, पूरा चांस भी मिला 19600 के ऊपर, मार्केट में कंटिन्यूसली सपोर्ट बना रहा। ठीक है, आप कहीं से भी अपना एक ट्रेड ले सकते थे, चाहते चाहे आपने एक ट्रेंड लाइन खींच लेते, चाहे आप 600 के ऊपर अगर मार्केट ने वेट करा, टाइम बिता दिया था तो आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते थे, उसके नीचे स्टॉप लॉस ले सकते थे। ठीक है ना, बिगिनर्स को ये चीज़ सीखनी पड़ेंगी, जो ये चीज़ें हैं ये सीखनी पड़ेंगी ताकि आप कॉन्फिडेंस आए और इनके हिसाब से अपने ट्रेड ले सकते हैं, ये होती है चीज़ें जेन्युइन होती हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लेवल्स अपने जो लाइन ट्रेंड लाइन खींच रहे हो, जो आप इतने टाइम से स्टडी करते हुए आ रहे हो और वो जो स्टडी की आपके दिमाग के अंदर है, तो ये चीज़ें खींचोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप ट्रेड ले पाओगे और स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट में सफल हो पाओगे, तभी आप बच पाओगे। ठीक है ना, तो इस जगह से कहीं से आप ट्रेड बना सकते थे, चाहते तो आराम से, पहली बात तो 600 के ऊपर से आप ट्रेड ले सकते थे, मैंने बोला था 600 के ऊपर रहेगा तो टाइम बताएगा तो ऊपर का प्ले कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो 650 तक। ठीक है, नहीं तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी आप अपना प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे, माइंड में रखोगे, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेंगे, अदरवाइज़ तो फिर आप मुश्किल है वो चीज़ें। ठीक है ना, तो यहाँ से बहुत क्लियर कट है, मार्केट को 20,000 ले जाना है। ठीक है, क्लियर कट हो चुका है, अब यहाँ से गिरना सही नहीं होगा, मूर्खता होगी, तो 20,000 टच होना भी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, तो आज नहीं मतलब इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक भी जा सकता है, तो ये मत करना कि आज की कॉल लेके बैठ जाओ और इसी वीक की कॉल लेके बैठ जाओ मार्केट पहुंच जाएगा, तो कॉल किसी वीक की मत लेना 20,000 वाली, धीरे 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 करके पहुंच जाए ठीक है, कहीं से भी गिरा देंगे, कहीं की भी जीरो कर देंगे वो कॉल, फिर फायदा नहीं होगा, तो फोकस रखना जहाँ से भी मार्केट लाइक, ये नहीं कि आप कॉल लेके बैठ जाओ 20,000 वो मत करना, जैसे जैसे मार्केट में लेवल अचीव हो रहा है आप करते रहना और चलने देना मार्केट को। ठीक है, तो अब हमारा डिस्कशन क्या होगा 18 तारीख के लिए, यानी कि कल के लिए क्या रह सकता है, मार्केट कैसा रह सकता है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले अपसाइड लिख, डाउनसाइड लिख लेते हैं पहले। ठीक है ना, डाउनसाइड रहेगा 18 तारीख के लिए,
18/7/2023 के लिए, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है आपको, अगर मार्केट डाउन साइड में 19,670, ठीक है ये लेवल देख लो 19,670 ये वाला, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है ना, डाउन साइड में इसके नीचे निकलता है तो बड़ा एक फॉल मिल सकता है, अच्छा खासा फॉल मिल सकता है, जो मार्केट को टूवर्ड्स कहाँ तक ले जा सकते हैं, मार्केट को इस जोन में कहीं ना कहीं लेके आ सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट फॉल करा, इसके नीचे आया, तो धीरे धीरे करता हुआ मार्केट जो आएगा आपका 19,550 या 60 तक आपको फॉल होता हुआ दिखेगा। तो अगर मार्केट ये जोन निकाल दे, 70 का जोन, ये जोन निकाल दे और कंटिन्यूसली नीचे ट्रेड, नीचे टाइम बिताने लग जाए, तो आप प्ले कर सकते हो नीचे के लिए। जो आपको सेकंड जो टारगेट जो अचीव होंगे इसमें, वो होंगे इसमें 19,550, ठीक है। HDFC के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो अच्छे आए मतलब कहने का सेंस ये कि किसी के लिए अच्छे आए किसी के लिए बेकार हैं, पर रिजल्ट से कोई मैटर नहीं है, मार्केट को ऊपर जाना ही है तो वो हर हालत में ऊपर जाएगा और बिगर लेवल टच करेगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट का तो मेरे हिसाब से निकाली तो जैसे भी आए अच्छे आए मान के चलो, तो नीचे जो रहेगा डाउन साइड जो रहेगा वो आपको ये रहेगा कि 19,670 नीचे निकालने देना, तो फर्स्ट टारगेट जो होगा 19,550 से 60 के आसपास आपको मिल जाएंगे। आप अपने स्टॉप लॉस जो है 20-25 पॉइंट का सेल करते रहना और इसके अकॉर्डिंगली अपना जो है प्रॉफिट बुक करते रहना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको पता चले 19,670 के नीचे मार्केट निकल रहा है और टाइम बिता रहा है, तो इसमें आप कॉल ले सकते हो अपनी, कौन सी 19,600 वाली, ठीक है ना, कॉल ले सकते हो जो तकरीबन होगी कितने की, इस टाइम होने वाली होगी वो 50-60 रुपये तक की होगी मुझे लगता है, जहाँ तक है देख लेना, ठीक है। उस कॉल, उस पुट को, सॉरी कॉल कह रहा हूँ, ये पुट को ले सकते हो, ये पुट लिख लेना यहाँ पे, इस पुट को ले सकते हो आप, 19,600 वाली पुट ले सकते हो और जितने की भी होगी 40-50 जितने की होगी उसको ले सकते हो, और मार्केट फॉल करता हुआ आएगा उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है ना। अपसाइड क्या है, अपसाइड देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट ने अपना ऑटोमेटिकली जो हाई बनाया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपसाइड देखो क्या है, अभी मार्केट का जो हाई बना है 19,731 का हाई बना है, 30 का हाई बना है, तो अब मार्केट का इसी हाई को निकलने देना, ठीक है ना, 19,731 के हाई को निकलने देना और टूवर्ड्स मार्केट चलता रहेगा जहाँ तक जरा जाने देना, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। जो पहला इमीडिएट जो है अचीव होगा टारगेट वो होगा 19,810 के आसपास मार्केट जा सकता है आराम से यहाँ से, ठीक है ना, जो ये लेवल है ना 19,810 से मार्केट जा सकता है, क्योंकि एक पूरा एक नंबर ऑफ फिगर है, तो यहाँ पे यह हो सकता है कि लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली 19,810 यहाँ तक मार्केट को जाने देना और अपना प्रॉफिट जो है बुक करते रहना, और उसके बाद जितना भी आए वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। तो यहाँ से लग रहा है मार्केट 20,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर मार्केट इसके ऊपर निकाले सस्टेन करे, 19,730 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अपनी कॉल ले सकते हो आप, ठीक है, 19,800 वाली, और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्ले कर लेना, जितना प्रॉफिट बुक हो रहा कर लेना, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लालच करने की आवश्यकता नहीं है, जितना मिल रहा कर लेना और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, ठीक है ना। मार्केट को जज करते रहना, जो भी बिगनर है ना जज करो, कहाँ पे कैसी कैंडल बन रही है, कहाँ कोई पैटर्न बन रहा है, कहाँ सपोर्ट एग्जैक्टली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली प्ले करने की कोशिश करना, जबरदस्ती के ट्रेड मत घुसाना, कोई शॉर्ट या कोई ऐसी कॉल शॉर्ट करके मत बैठ जाना या पुट शॉर्ट करके मत बैठ जाना, या फिर ज़्यादा लॉस नहीं कुछ हो, ठीक है। लेवल टू लेवल ट्रेड करते रहना, निकलने देना मार्केट को एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तभी अगर अच्छे ट्रेड बन सकते हैं। थोड़ा वेट कर लोगे, पेशेंस रख लोगे, तो अच्छे लेवल मिल जाएंगे, अच्छे मतलब अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस से बढ़िया होता है हमेशा प्रॉफिट कम हो पर अच्छा हो जाए वो बढ़िया होगा, ठीक है। तो अपसाइड का आपको पता चल चुका है 19,730 के ऊपर निकल जाए मार्केट तो ठीक है, और डाउन साइड में फिर लिख देता हूँ एक बारी, डाउन साइड में आपके पास क्या है कि मार्केट निकल जाए 19,670 निकल जाए नीचे, तो आप नीचे के लिए प्ले कर सकते हो टूवर्ड्स 19, मार्केट फॉल होता हुआ मिलेगा 19,550 तक आपको फॉल होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना, ये लेवल रहेंगे। इस वाले में आप कॉल ले सकते हो 19,800 वाली, और इस वाले में आप पुट ले सकते हो 19,600 वाली पुट ले सकते हो, अच्छे खासे प्रीमियम होगा इसमें, अच्छा मिल जाएगा, तो आप आराम से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। कोशिश करो, लेवल जज करो, देखो ना ट्रेंड लाइन आप जज करने जाओगे तो आपको पता चलेगा जो लोअर हाई बन रहा है ये आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है मार्केट के अंदर कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, आप यहाँ से कहीं ना कहीं से, सपोज यहाँ से कहीं से भी अपना ट्रेड ले सकते थे, उसके अकॉर्डिंगली अपना कोई ना कोई छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते थे। छोटा स्टॉप लॉस होगा मतलब कि 1:2 मान लो,
2:1 के रेशियो में अपना स्टॉप लॉस ले लो, मतलब कि अगर 2 रुपये का प्रॉफिट तो 1 का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लेके डाल दो तो ये होगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। 10 का अगर लॉस हो गया तो 20 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 2:1 की कोशिश करो, नहीं तो बिगिनर तो 1:1 की कोशिश करो ही करो, ठीक है ना। 1:1 नहीं तो 1 का लॉस 1 का प्रॉफिट लेके चलो, तो क्या होगा धीरे 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 चीज़ें आप सीखने लग जाओगे, तो 2:1 पे भी आप अपना निकल आओगे, ठीक है। तो कोशिश करो, जज करो, लेवल टू लेवल ट्रेड करो, ठीक है। हम अपनी साइड से आपको यही बता सकते हैं कि आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करो, क्योंकि ये तो कोई मार्केट आपको ये नहीं बता सकता कि ये वाली पुट लेके बैठ जाओ आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप कॉल लेके बैठ जाओ या पुट लेके बैठ जाओ, ठीक है। लेवल बता देंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, इनके पास आएगा मार्केट तो रिएक्ट करेगा, सपोर्ट लेगा तो ऊपर चले जाएंगे, रेजिस्टेंस लेगा तो नीचे ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बाकी आप खुद से जज करने की कोशिश करो, लाइव मार्केट के अंदर देखो और लेवल आए तो उसके अकॉर्डिंगली प्ले करो, ठीक है। तो मिलेंगे कल, देखते कैसा रहने वाला मार्केट। आज HDFC के रिजल्ट आए थे, कल किसी और के आएंगे, तो वो जज करते रहना, बाकी रिजल्ट ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे। मार्केट को जाना है 20,000 तो वो जाके ही रहेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मार्केट जाके ही रहेगा, चाहे इस वीक चाहे नेक्स्ट वीक वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको सही लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे लेवल्स लेके आते रहें जहाँ से आपको नए नए लेवल्स मिलते रहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।